सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। अच्छा तो मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ? बहुत ज्यादा। फिर भी बताओ आप मेरे को कितना चाहते? आपको मैं इतना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी भी आपकी जैसी लेके आऊं। दूसरी लाते तुम? इन्हों अचानक दूसरी शादी की बात कहीं को करे? थोड़े दिन पहले गफूर की बीवी अच्छी है बोले थे। मोहब्बत दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी, दाल मसूर की अच्छी और बीवी गफूर की अच्छी। और अब दूसरी शादी की बात कर रहे, मतलब इन्हों? आपको मैं इतना चाहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी भी आपकी जैसी लेके आऊं। जीनत, अगर तू मन्नत बी की बेटी है तो तू तेरे सौतन को घर को आने नहीं देना, और अपने हस्बैंड को उस चुड़ैल के साये से दूर रखना। मिशन जासूसी स्टार्ट्स। देखो मेरे को समझने की कोशिश करो। मेरे को तंग नको करो प्लीज। देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को और परेशान नको करो, मेरे को अकेला छोड़ दो, बात को समझो, खेलो नको मेरी जिंदगी के साथ। किससे बात कर रहे थे तुम? और क्या समझे तुम कि तुम मेरी जगह किसी और को देंगे और मैं खामोश बैठती हूँ? ख्वाब में भी ऐसा नहीं हो सकता। और कौन है वो चुड़ैल जिससे फोन में बात कर रहे थे तुम? हाँ, ए रई का पहाड़ बनाने वाली औरत। मैं मच्छरों से बात कर रहा था। आइए किससे किससे तो भी बात करता है ये आदमी। मेरे को तो शक ही है ये आदमी इंसान ही है बोल के। क्या हुआ बेगम को, ऐसा शक कहीं को कर रहे हो? मेरी बात क्यों सीरियसली ले गए? पासवर्ड क्या है? किसका? तुम्हारे दिमाग का, उसमें थोड़ी अक्कल इंस्टॉल करना है। तुम्हारी अक्कल तो मैं ठिकाने लगाऊंगी, और दूसरी चुड़ैल को मैं घर में आने भी नहीं देती हूँ। मतलब तुम पहली चुड़ैल है? अजी अब तुम मेरे दिमाग में भी घुस गए। अरे मैं ऐसी ऐसी जगह घुस जाता जहाँ पे कोई भी नहीं घुस सकता। और कैसा दिख रहा है एड्रेस? ये अचानक इन्हों नया ड्रेस कहीं को पहने, ऊपर से रेड शर्ट कहीं को पहने होंगे। हाँ रेड कलर का शर्ट तो इन्हों मेरे से मिलने पहन के आते थे शादी से पहले। अब किससे मिलने जा रहे होंगे इन्हों? एक्सक्यूज मी मोहतरमा, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई, अल्फाज नहीं होंगे आपके पास? अरे अपन हैज वैसे जी, जो एक बार देखता अपने को बस देखते रह जाता। हाँ तुम्हारी उजाड़ सूरत है ही वैसी। चल रहा वही जो तुम्हारा नहीं चलता क्या? दिमाग। कैसा है परफ्यूम? ठीक, इतनी गलीज बू आ रही, मैं जिंदगी में नहीं देखी इतना चीप और सस्ता परफ्यूम। ठीक कहां से तो भी लाए, कौन तो भी दिए तुम्हारे? ये तुम्हारे बाबा दिए जी ये। अजी मेरे बाबा का नको जाओ, कब मिली जी तुम उनसे? हाँ अरे मजाक कर रहा था जी, वो शादा बोल का इंस्क्राइब में आया तो एक लालिया उठा के अच्छा दिखा तो। डेट हो गई जैसा दिख रहा, मेरा पूरा आधा सर दर्द हो रहा, डॉक्टर बताना पड़ता जैसा है। डॉक्टर को कहीं को बताते? अरे जितना दिमाग है उतना सर दुखता ही। मैं ये आधा दिमाग चलाती हूँ और तुम्हारा बाहर जाने नहीं देती हूँ। है चल दिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, चले गई औरत। पकड़ो मेरे को, चक्कर आ रहा, पकड़ो। अरे बड़ा 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 बड़ा, क्या हुआ क्या हुआ? मेरे को चक्कर आए जैसा हो रहा और बुखार भी आ रहा। अरे जरा ख्याल रखो जी अपना, कब जिंदगी पोलो से डोलो पे आते नहीं मालूम होता। तुम्हारे हरकतों का ख्याल रखो, कब जिंदगी आराम से हराम हो जाती नहीं मालूम होता। ए गरीबों के शेक्सपियर, शोहर के साथ तुम डायलॉग बाजी कर रहे, ड्रामा ड्रामा खेल रहे तुम मेरे साथ। और तुम जो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे उसका क्या? तुम्हारे फीलिंग्स का टेनिस बॉल उसके साथ खेलने के वास्ते में, और जो मेरी फीलिंग के साथ खेल रहे इसका क्या? हाँ मुझे जाकर सो जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर से। कहाँ जा रही? अरे जा रहा मेरे काम से, बाजू गली में जा रहा हूँ। हाँ मतलब इन्हों बाजू गली में डेरा डाले सो है। कौन होंगी वो चुड़ैल? परसों इन्हों गफूर भाई की बीवी की तारीफ कर रहे थे, उनसे मिलने जा रहे जैसा है। क्या हुआ जी?
ये तुम चुप चुप कोमा में कहीं गुजार रहे बार बार, और ये तुम चुप चुप कहीं को बाहर निकल रही काम से। कौन से काम से? रहते भाई हमारे काम कौन से तो भी। देखो तुम चाय पीते नहीं, मैं लस्सी पीने देती हूँ नहीं, करेक्ट। लंच का टाइम है नहीं, डिनर में आज बना रही हूँ नहीं, बराबर। तो बोलो क्या काम है? ठीक है भाई, मैंने दादा मैं बाहर जाता नहीं, मैं यही घर में मरे वाला था, तुम भी यही बैठे मैं भी यही बैठे, एक दूसरे को घूर लेते बैठेंगे, ठीक है? खुश खुश। हाँ हेलो मामा समीर, एक काम कर, रियाज को, सिराज को, खलील को, बिलाल भाई को डाल ले घर को, आधा हुक्के पाटा वाटा ला ले, अपन पार्टी वार्टी करेंगे, और तुम्हारी भाभी जो है सो आज जबरदस्त बिरयानी मिला के खिला देगा तुम लोग। भाई मैं रोक के गलती करी क्या? हाँ ये घर है, हुक्का पार्लर नहीं है, दोस्तों को बुला के पार्टी वार्टी करने के वास्ते। अरे का अजीब परेशानी है भाई तुम्हारे से। हाँ एक तो खुद ही बोलते घर के बाहर नक्को जाओ, जा रहे तो अलग परेशानी, घर में दोस्तों बुला के पार्टी करेंगे एंजॉयमेंट करेंगे बोल तो वो भी तुम्हारे से देखे नहीं जा रहा। ठीक है मैं जाता हूँ फिर। नक्को फिर बिरयानी पकाते, आज जमाल गुट्टा डाल के बनाती हूँ बिरयानी, बस बस हो गई मैं यदमी से। अच्छा एक्सक्यूज मी मोहतरमा, क्या है? देखो तुम खुश नसीब है, तुम सबसे पहले शुक्र अदा करो कि तुम्हारा ऐसा मेरे जैसा फर्मा बरदार हस्बैंड मिला, और सबसे ज्यादा तुम तुम्हारे अम्मा बाबा का शुक्र अदा करो जो तुम्हारे को मेरे जैसा हस्बैंड ढूंढ के दिए। मेरे अम्मा बाबा मेरे को दिए ही क्या, खाना पकाने के वास्ते भगोना, धोने के वास्ते बर्तन, और जिंदगी हराम करने के वास्ते ये आदमी। ये तो वही बात हो गई, कुछ भी कर इंस्टाग्राम पे डाल। वो नेकी कर दरिया में डाल है, कम से कम कहावत तो सही से बोल लो। जी वो पुरानी कहावत है जी, ये नई जमाने की कहावत है, आजकल लोग कुछ भी कर रहे इंस्टाग्राम पे डाल रहे, और तुम इधर उधर दौरे डाल रहे। चुपचाप कुर्सी पे बैठो घर पे। कुर्सी पर बैठे हो क्या, तुम्हारी जान पे बैठे हुआ हूँ। तुम आंखों में अजी हाथ दियो। हेलो और ता कितना भी रसना लस्सी रुआफजा लींबू पानी पी लें दो, लेकिन कलेजे को ठंडक शोहर के खून पीने के बाद ही मिलती। ए पड़ी तुम्हारे कलेजे को ठंडक, मिला दिल को सुकून नहीं। पहले मेरे को ये बताओ कि ये गफूर भाई की बीवी कौन है, और ये कौन सी चुड़ैल है बाजू गली में जिसके वास्ते तुम इतना बनठन के सजधज के निकल रही? अरे गरीबों की जासूस। ये जो हमारे गफूर भाई की बीवी 80 साल की बुढ़ी है, अरे बाजू गली में कोई भी छुड़ैल ले रहती, मैं दोस्त से मिलने जा रहा था भाई, घर में बैठ बैठ के बोर मार रहा मेरे को। सच्ची? हाँ जी। खा मेरी कसम। तुम्हारी कसम क्या, उसमें बिस्किट है खाने के वास्ते में। अजी ये सब छोड़ो, मेरे को सुबह से कैसा कैसा की छोरा, सही सही बोलो इन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आती ना। बैगन भी नहीं आ सकती, दुनिया की कोई ताकत अपने को अलग नहीं कर सकती, यहाँ तक कि कायनात भी अपने बीच में नहीं घुस सकती। वो सब तो ठीक है, ये कायनात कौन है? अरे जाहिल औरा कायनात बोले तो दुनिया। ये इस बात पे मेरे को एक शेर याद आ गया। ओफो अच्छा सीख जा रहे तुम मेरे साथ रह के शेरो इशारी बोलना। वो सोबत का असर होता है इसना। अच्छा शेर फेंको। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। वाह 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 पुरानी लाइन है मगर। सुनो जी, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। वाह 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 बहुत पुराना शेर है, इसका नया वर्जन सुनो। सुनाओ देखेंगे। तो अर्ज किया है इरशाद इरशाद। चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा? वाह 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 वाह। चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा? कैसा था मेरा शेर? बिल्कुल तुम्हारी हरकतों के जैसा। तुम नहीं सुधरते, ठहरो तुम। अरे अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। अगर आप लोगों का हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना नको भूलो। और बेल आइकन दबाना नको भूलो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग लाइक करो भाई, ऐसा लाइक करो तो हमारा वीडियो आगे जाता है, मैं मजा आता काम करने में। और दूसरी चीज कमेंट आप पढ़ रहा हूँ भाई, मौका ना मेरा रिप्लाई देने का, मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों का है थोड़े जोकों को बहुत ज्यादा पर्सनल ले ले रहे, नको लो भाई, कहीं को पर्सनल ले रहे, कॉमेडी है कॉमेडी के जैसा लो, ठीक है? बस इतना ही बोलना था। और क्या है, ऐसी आप लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त है, मोहब्बत बहुत जबरदस्त है, आखिरी भयानक व्यूज आ रहे हैं, देखो ये खिचड़ी का सीजन 2 हम सिर्फ आप लोगों के वास्ते लाए, तो आप लोगों का सपोर्ट करो, हम लोग और एंटरटेन कर दे, हमारे आगे जो है इंस्टाग्राम हैंडल्स आ रहे फॉलो करो,